हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ मेरे टॉप 25 मेल परफॉर्मेंसेस ऑफ ईयर 2013। मैंने सारी पिक्चरें देखी हैं और मुझे बेस्ट 25 परफॉर्मेंसेस कौन से एक्टर्स की लगी, कौन से मेल एक्टर्स की लगी, मैं आज ही आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक एक लाइन में बता दूंगा कि क्यों लगी। और ज़रूरी नहीं, मतलब पॉपुलर तो और लोग होंगे, पर मुझे, मैं सिनेमा का लवर हूँ तो मैं बहुत स्पेसिफिक देखता हूँ। मुझे परफॉर्मेंस, मेरे दिल को किसकी सबसे ज़्यादा टच करी, तो शुरुआत करता हूँ। टॉप 25 परफॉर्मेंस, 25 से स्टार्ट करते हैं, 1 तक चलते हैं। नंबर 25 पे मैं, टाई है ये, मैं दो दो लोगों को देना चाहूँगा, तुषार कपूर फॉर शूट आउट एट वडाला एंड पंकज कपूर फॉर मटरू की बिजली का मंडोला। अब तुषार कपूर से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो गैंगस्टर का रोल इतनी कन्विंसिंगली कर पाएंगे, कभी सोचा नहीं था। लेकिन शूट आउट एट वडाला, जो कि मेरी साल की फेवरेट मूवी भी है और बेस्ट कमबैक मूवी है संजय गुप्ता की, और गैंगस्टर जॉनर, क्राइम जॉनर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए उसमें तुषार कपूर की परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी। तो 25 नंबर पे मैं उनको रखना चाहूँगा। और साथ ही मैं उनके साथ ये स्पॉट शेयर करते हैं पंकज कपूर, जो कि ब्रिलियंट एक्टर हैं, मेरे फेवरेट एक्टर हैं। हालांकि मथुरू की बिजली का बंडोला पिक्चर इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, जो इनने डबल पर्सनैलिटी करी थी, दारू पी के कुछ और, रात को कुछ और, दिन में कुछ और, तो वो बहुत मज़ा आया देखने में, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी क्लास थी। 24 नंबर पर मैं दो लोगों को फिर से रखना चाहूँगा, अनुपम खेर फॉर गोरी तेरे प्यार में और फारूक शेख फॉर क्लब 60। और हाँ, एक और अच्छी परफॉर्मेंस लगी रोनित रॉय फॉर बॉस। तो तीन लोगों को मैं रखना चाहूँगा 24 नंबर पे। अब गोरी तेरे प्यार में बहुत बेकार पिक्चर थी, लेकिन उसमें कुछ अच्छा था तो सिर्फ अनुपम खेर की एक्टिंग। उन्होंने बहुत मजे लेके एक्टिंग करी गांव के मुखिया की और विलन की, तो मुझे उनको देख के, उनको अपनी एक्टिंग इन्जॉय करते हुए देख के मुझे बहुत मज़ा आया। और फारूक शेख की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही अच्छे एक्टर थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, और क्लब 60 में उनकी एक्टिंग दिल को छू लेने वाली थी, और बहुत ही अच्छा लगा उनको देख के। क्लब 60 में भी उनका काम बहुत ही अच्छा था हमेशा की तरह। और रोनित रॉय फॉर बॉस, जो कि अक्षय कुमार पे भी काफ़ी भारी पड़े, कंधे से कंधा मिला है बॉस फिल्म में, और रोनित रॉय ने अपना बहुत अच्छे से विलेन का रोल करा बॉस में, उनको देख के नफरत हो रही थी। तो 24 पे ये तीनों को रखूंगा। 23 नंबर पे मैं रखूंगा आमिर खान फॉर धूम 3। अब आमिर खान से बहुत उम्मीदें हैं कि परफेक्शनिस्ट है, बेस्ट एक्टर है इंडिया का, ये वो, लेकिन धूम 3 में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम रह गई। जितना अच्छी वो एक्टिंग हमेशा करते हैं उतनी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी टॉप 23 में वो, 23 नंबर पे मैं आमिर खान को रखूंगा फॉर धूम 3। उन्होंने जो स्पेशली हकले का जो रोल किया, प्ले किया था डबल रोल में, जो दूसरे हकला हकला के बोलता था बंदे हैं हम उसके, वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था उसका रोल, तो इसलिए मैं आमिर खान को रखता हूँ 23 पे। 22 नंबर पे मैं विवेक ओबराय और ऋतिक रोशन दोनों को रखूंगा फॉर क्रिश 3। क्रिश 3 इंडिया की बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत मैग्नीट्यूड उसका बहुत बड़ा है, कैनवास बहुत बड़ा है। उसमें क्रिश 3 में विवेक ओबराय की एक्टिंग मुझे ऋतिक से थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। विवेक काल का रोल कर रहे थे सुपर विलेन का, और उन्होंने बहुत ही अच्छा करा, और अपने रोल में बहुत अच्छे अच्छे न्यूएंसेस लाए, और विलेन के रोल में बखूबी वो जमे, और उनके वन ऑफ द करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है वो, और काल की। साथ ही में ऋतिक रोशन ने तीन तीन रोल प्ले करे, बूढ़े का एक क्रिश 3 जो सुपर ह्यूमन सुपर हीरो है उसका, और तीसरा जो लड़का रोहित है नॉर्मल, तीनों ही रोल में उन्होंने अच्छा करा, स्पेशली बूढ़े वाले रोल में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। तो तीनों रोल करना बहुत टफ है, और इसलिए ऋतिक ने परफेक्शनिस्ट अपना काफ़ी मेहनत करी उसमें, उनका एफर्ट पूरा दिखा, इसलिए 22 पे विवेक और ऋतिक फॉर क्रिश 3। 21 पे मैं रखूँगा इरफान खान एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी फॉर लंच बॉक्स। लंच बॉक्स बहुत ही सिंपल फिल्म थी, मेरे दिल को छूने वाली, बहुत ही प्यारी फिल्म। उसमें इरफान खान की परफॉर्मेंस हमेशा की तरह ब्रिलियंट, जो उन्होंने रोल प्ले किया एक बूढ़े इंसान का जिसको प्यार होता है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी शुरू में इरिटेट लग रहे थे, इरिटेटिंग कर रहे थे लोगों को, लेकिन उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बेस्ट डायलॉग थे मूवी के, उनकी परफॉर्मेंस ने पिक्चर को यहाँ से वहाँ ले गए, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी कुछ सीनों में इरफान खान पे भी भारी पड़े। तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी, एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ब्रिलियंट एक्टर हैं, तो इरफान नवाजुद्दीन एट नंबर 21। नंबर 20 पे मैं रखूँगा रणवीर सिंह फॉर गोलियों की रासलीला रामलीला। अब रामलीला पिक्चर अच्छी है और बहुत अच्छी है, और रणवीर सिंह से उम्मीद नहीं थी वो इतना दिल खोल के इतनी बिंदास एक्टिंग करेंगे। उन्होंने जो इस टाइप से गुजराती एसेंट बोला है, जो मासी कैरेक्टर प्ले किया है, जो प्यार किया है, जो भी एक्शन किए, जो भी उन्होंने करा है, सब कुछ उम्दा लाजवाब, और उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है रणवीर सिंह एट नंबर 20। नंबर 19 पे मैं रखूँगा अपने फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार को फॉर वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा। पिक्चर इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस पिक्चर में बहुत अच्छी थी। उन्होंने जो दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले किया, जो विलन की जो डायलॉग्स बोले, जो जितने स्मार्ट और हैंडसम वो दिखे हैं, जो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस थी, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया, और अक्षय कुमार को हमेशा देखने में मैं बहुत खुश होता हूँ, तो 19 नंबर में मैं उनको रखूँगा। नंबर 18 पे मैं रखूँगा ऋषि कपूर फॉर डी डे एंड शुद्ध देसी रोमांस। अब इनकी परफॉर्मेंस दोनों पिक्चरों में मुझे बहुत अच्छी लगी। डी डे में वो दाऊद का रोल कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से करा, अनकन्वेंशनल तरीके से करा, जो कि वो फोर नंबर के हैं और फोर नंबर के लोग अनकन्वेंशनल होते हैं, तो उन्होंने दाऊद एकदम अलग प्ले करा, बहुत ही मज़े लेके करा, एंजॉय करके करा। और शुद्ध देसी रोमांस में भी उनका कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और बहुत ही डिफरेंट टाइप की एक्टिंग थी। फिर से ऋषि कपूर बहुत ही बड़े एक्टर हैं, और वो
18 नंबर में है फॉर डी डे टू देसी रोमांस। 17 नंबर पे मैं रखूंगा धनुष फॉर रांझना। और रांझना पिक्चर भी बहुत अच्छी थी, पर धनुष की एक्टिंग दिल को छू गई, सबका दिल जीत ले गया। वो प्रोमो में देख के नहीं लग रहा था धनुष कुछ कर पाएंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत से हिंदी एसेंट बोला, और बनारस में पिक्चर सेट थी, और नॉर्थ इंडिया का एकदम फ्लुएंटली नेचुरल बोलना बहुत ही मुश्किल था, पूरी जान लगा दी उन्होंने रोल में। तो धनुष ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फॉर रांझना एट नंबर 17। नंबर 16 पे मैं रखूंगा सिद्धार्थ फॉर चश्मे बद्दूर। सिद्धार्थ वो साउथ के एक्टर हैं जो रंग दे बसंती में थे, स्ट्राइकर में थे, वो सीरियस रोल बहुत अच्छे करते हैं, अच्छे एक्टर हैं, पर मैंने नहीं कभी सोचा था वो डेविड धवन की कॉमेडी भी इतनी अच्छी कर देंगे। डेविड धवन की कॉमेडी में इतने न्यूएंसेस लाना और एकदम बिना डरे एक्टिंग करना, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी चश्मे बद्दूर के लिए, मैं सरप्राइज हो गया, इसलिए सिद्धार्थ फॉर चश्मे बद्दूर 16 नंबर। नंबर 15 नंबर पे मैं रखूंगा राजकुमार यादव को, जिनका नाम न्यूमरोलॉजी से चेंज करके राजकुमार राव हो गया है, और कायपोचे एंड शाहिद। तो ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, और कायपोचे में इनकी परफॉर्मेंस बहुत नेचुरल थी, रियल थी, बिलीवेबल थी, और बहुत ही अच्छी थी। और शाहिद में तो अवार्ड विनिंग एक्टिंग है इनकी, शाहिद जो लॉयर का इन्होंने प्ले करा है रोल शाहिद आजमी का, वो दिखाता है कि कितने अच्छे एक्टर हैं, उनका बहुत अच्छा फ्यूचर है और बहुत आगे जाएंगे और बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करना है। तो राजकुमार यादव या फिर राजकुमार राव और कायपोचे एंड शाहिद एट 15। नंबर 14 पे मैं रखूँगा सुशांत सिंह राजपूत को फॉर कायपोचे एंड शुद्ध देसी रोमांस। अब सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत अच्छा डेब्यू करा इस साल, कायपोचे फिल्म में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दी उन्होंने, और जो भी बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत ही ऐसा लगा कि नया हीरो मिल गया इंडिया को, बहुत अच्छा सुपरस्टार मिल गया है वो, उन्होंने पूरा स्क्रीन प्रेजेंस भी उनकी बहुत बढ़िया है, और शुद्ध देसी रोमांस का रोल भी टफ था, और उन्होंने बहुत ही नेचुरल और बहुत ही बखूबी निभाया है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। नंबर 13 पे मैं रखूँगा आदित्य रॉय कपूर फॉर आशिकी 2। वो अल्कोहलिक लवर का म्यूजिक डायरेक्टर का मेंटर का जो रोल उन्होंने प्ले किया है वो बहुत ही अच्छा था, समा बांध दिया था उन्होंने आशिकी 2, सुपरहिट मूवी है, गाने बहुत अच्छे हैं, और सेम आदित्य रॉय कपूर सभी लड़कियों के लड़कों के सबके चहेते बन गए, सब उनके फैन बन गए, और आदित्य रॉय कपूर की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी। नंबर 13 पे उनको रखूँगा। नंबर 12 पे मैं रखूँगा जयदीप अहलावत फॉर कमांडो वन मैन आर्मी। जयदीप अहलावत बहुत अच्छे एक्टर हैं, विश्व स्वरूप में थे, गैंग्स ऑफ वासेपुर में मनोज बाजपेयी के फादर का रोल था, अक्षय कुमार के साथ प्रियदर्शन की एक पिक्चर में थे कॉमेडी में, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, पर कमांडो में जो उन्होंने करा है बेस्ट विलन का रोल, मतलब तो मेमोरेबल है मेरे लिए, तो मैंने इतना अच्छा विलन नहीं कभी देखा, जो उनको हरियाणवी एसेंट लाते हैं, अंधे रहते हैं आँखों में, उनकी डरावनी आँखें हैं, संता मंता के जोक्स सुनाते हैं, पूरी पिक्चर उन्होंने अपने दम पे निकाली है। जयदीप अहलावत का स्टैंडिंग ओवेशन वाली एक्टिंग लगी मुझे, तो ब्रिलियंट एक्टिंग है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना, उनकी विलन का जो उन्होंने रोल करा है बहुत ही काबिले तारीफ है और मेमोरेबल है। 11 नंबर पर मैं रखूँगा आदित्य ओम को बंदूक फिल्म के लिए। अभी बंदूक बहुत छोटी फिल्म है, कई जगह बैन भी हो गई, लोगों ने देखी नहीं है, पर मैंने देखी किसी भी तरह से, एक शो इसका था तो मैंने जाके शो अपने लिए चालू करवा के देखी थी। और बंदूक में आदित्य ओम खुद डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर खुद हैं, इनका एफर्ट है, इनकी मेहनत, इनकी स्क्रिप्ट इतनी जोरदार है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर भी इसके सामने बच्ची और नर्सरी की फिल्म लगेगी, इतनी बोल्ड, इतनी खतरनाक और पिक्चर है, हर किसी के बस की बात नहीं इस मूवी को देखना, जो सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं वो ना ही देखें, बट रियलिटी है इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की, और बंदूक बहुत ही मतलब रियल फिल्म है, रॉ, एकदम रॉ, कुछ भी उसमें फिल्मी नहीं है, सब कुछ इतना रियल है, तो बहुत हार्ड हिटिंग मूवी है, तो उसमें आदित्य उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, तो वो मैं रखूँगा 11वें नंबर पे। 10वें नंबर पे मैं रखूँगा मनोज वाजपेयी फॉर स्पेशल 26। स्पेशल 26 भी बहुत अच्छी पिक्चर थी, मनोज वाजपेयी का जो काम था वो ब्रिलियंट, ब्रिलियंस मतलब हॉलीवुड लेवल का था, और मनोज वाजपेयी की एक्टिंग खासकर जो आखिरी में वो हार जाते हैं तब भी हंसते हैं, जो क्लाइमेक्स में सीन है उनका, उनके सारे सीन, उनके एक्टिंग पिक्चर को कहाँ से कहाँ ले गई आप, मनोज वाजपेयी ब्रिलियंट एक्टर है। 10 पर रखा। नंबर 9 पर मैं रखूँगा रणबीर कपूर फॉर ये जवानी है दीवानी। अब ये सब रोल लगते हैं बड़ा आसान है करने, लेकिन करने में बहुत टफ होते हैं। रणबीर कपूर ने जो ये जवानी दीवानी पूरी पिक्चर में थ्रू आउट जो चार्म कैरी आउट करा है, जो अपने कैरेक्टर को जिया है, उसके अप्स एंड डाउन सब कुछ बहुत ही रियल लगे, बहुत ही बिलीवेबल लगे, और वो सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार लगे, और बहुत ही बढ़िया एक्टर है, तो रणबीर कपूर एट नंबर 9। नंबर 8 पे मेरे फिर से फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार फॉर बॉस। जो भी उनके डायलॉग है, अपने को तो पानी निकालना है, और जो भी उनके तरीका था गुंडों को मारने का, गाना बजाना स्पीकर चला के, जो जो भी उनका था पूरा स्मार्ट, इतने लगे, इतने अच्छे गाने, इतनी अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस, और बहुत ही बढ़िया, अक्षय कुमार को देख के मुझे बॉस में बहुत मज़ा आया, और मेरे फेवरेट एक्टर है, इसलिए मैं उनको नंबर 8 पे रखूँगा। नंबर 7 पे मैं रखूँगा सौरभ शुक्ला फॉर जॉली LLB। ये अवार्ड विनिंग एक्टिंग है, जॉली LLB में अरशद और बोमन तो अच्छे थे ही, पर सबसे अच्छे सौरभ शुक्ला थे, और जॉली LLB भी बहुत अच्छी पिक्चर है, पर सौरभ शुक्ला ने जो एक्टिंग करी है ऐसी, आई डोंट थिंक कोई भी कर सकता है दुनिया में,
बहुत ही बढ़िया जज का रोल करा, इतना हिलेरियस में हंस के गिर गया। और सैल्यूट टू द सौरभ शुक्ला वो नंबर 7 पे। नंबर 6 पे फिर टाई है परेश रावल फॉर हिम्मत वाला एंड रघुवीर यादव फॉर क्लब 60। हिम्मत वाला पिक्चर अच्छी नहीं थी इतनी, पर परेश रावल की जो एक्टिंग है आप देखना बहुत ही ब्रिलियंट है। आप उसको कादिर खान की एक्टिंग से मत कंपेयर करना, जो परेश रावल ने जो करा है वो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी उनकी ना। उन्होंने इतनी बेकार स्क्रिप्ट में भी इतनी जान डाली थी और सिर्फ अपनी दम पे उन्होंने हंसाया है। उनकी बहुत ही बढ़िया मैनरिज्म, जो उनके एक्सप्रेशन है, जो उनकी डायलेक्ट डिलीवरी है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो परेश रावल की। नंबर 6 पे रघुवीर यादव भी हैं उनके साथ, क्योंकि रघुवीर क्लब 60 पिक्चर भी है, बहुत अच्छी पिक्चर है, आप जरूर देखिएगा नहीं देखी तो। और रघुवीर यादव हमें जीना सिखाते हैं उस मूवी में, हम लोग उसके स्ट्रेस में रहते हैं कैसे जीते हैं, लाइफ को जीने का तरीका नज़रिया क्या होना चाहिए वो आपको रघुवीर यादव के कैरेक्टर से सीखने को मिलेगा। और उन्होंने इस उम्र में सब बिंदास रोल करा है, 50-60 साल की एज होगी उनकी और मतलब टीनेजर बन के घूमे पिक्चर में, 13-14 साल के लड़कों की तरह चड्डियाँ पहन के घूम रहे हैं, निकरे पहन के घूम रहे हैं और गॉगल्स और खुली ओपन जीप और ये वो, पूरा जवानी में भी कोई आदमी इतना जवान नहीं होता जो बुढ़ापे में रघुवीर यादव ने दिखा दिया। तो आंखों में आंसू आ गए, खुशी आ गई और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है रघुवीर यादव की, बहुत ही मेमोरेबल उनकी करियर बेस्ट लगी और बहुत ही बढ़िया एक्टर है। नंबर 5 पे मैं रखूँगा पुनीत सिंह रत्न फॉर सत्य 2। इन्होंने डेब्यू करा है, सत्य 2 में इनका रोल था, जो आके अंडरवर्ल्ड 2013 में कैसे सेटअप करते हैं और कैसे अंडरवर्ल्ड को फैलाते हैं, तो बहुत ही इंटेंस एक्टर है। राम गोपाल वर्मा की ब्रिलियंट डिस्कवरी लगी मुझे, वो जीनियस है, कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं एक्टर्स, ये बहुत ही बढ़िया एक्टिंग थी इनकी। और जो एक एक सीन में कन्विंसिंग लगे और हमें ऐसा लगा नहीं कि गलत आदमी को कास्ट कर लिया इस इंपॉर्टेंट रोल में, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया सीरियस तरीके से गहराई से डायलॉग डिलीवरी करी और जो उनके एक्सप्रेशन थे, जो उनके मैनरिज्म थे, जो उनकी इंटेंस एक्टिंग थी, सभी पहली फिल्म के हिसाब से बहुत बढ़िया। तो ब्रिलियंट डेब्यू बाय पुनीत सिंह रत्न, ही इज़ एट नंबर 5 इन माई लिस्ट। नंबर 4 पे मैं रखूँगा नाना पाटेकर फॉर अटैक्स ऑफ 2611, एक और राम गोपाल वर्मा की मूवी। अब नाना पाटेकर के जो सीन थे कसाब के साथ थे, जो भी थे वो आउट ऑफ द वर्ल्ड थे, मतलब आप देखना उनके जो कसाब के साथ दो सीन हैं आखिरी में, जो उनके लंबे लंबे मोनोलॉग हैं जो नाना ने करे हैं, वो रोंगटे खड़े कर देते हैं और उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई मैच नहीं, उसका कोई जवाब नहीं और ऐसा और कहीं कर नहीं सकता था। तो नाना पाटेकर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एट नंबर 4। नंबर 3 पे मैं रखूँगा एक और मेरे फेवरेट एक्टर के मैनन फॉर अंकुर अरोरा मर्डर केस। अब अंकुर अरोरा मर्डर केस छोटी स्टोरी थी, छोटी फिल्म थी, रियल स्टोरी पे थी कि एक डॉक्टर की निग्लिजेंस से एक लड़का मर जाता है, तो डॉक्टर ईगोइस्टिक डॉक्टर का रोल के मैनन ने करा है और क्या करा है, इन्होंने भी रोंगटे खड़े कर दिए, इन्होंने भी आत्मा हिला दी, इतनी बढ़िया एक्टिंग करी है, इतनी जोर से इनका जो गुस्सा, इनका एग्रेशन, इनका जो ईगो है पिक्चर में दिखा है, के की जो आईज इतनी एक्टिंग करती है वो आके के ही कर सकते हैं, वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं। नंबर 3 पे मैं इनकी परफॉर्मेंस करूँगा। नंबर 2 पे मैं रखूँगा द वेल डिजर्व फरहान अख्तर फॉर भाग मिल्खा भाग। अब भाग मिल्खा भाग में तो फरहान अख्तर ने पूरा मिल्खा सिंह का रोल जिया है, उनके जो बॉडी उन्होंने बनाई, जो फिजिक उन्होंने बनाया है, पूरी जान डाल दी उन्होंने, पंजाबी एक्सेंट में बात करी और ही लिव द करेक्टर एंड ही लुक लाइक अ मिल्खा सिंह, एंड जो ब्रिलियंट बायोपिक बनाई है उसमें फरहान अख्तर की ही पूरी मेहनत है और करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है उनकी। नंबर 2 पे उनको रखूँगा। नंबर 1 पे मैं रखूँगा जॉन इब्राहिम फॉर शूट आउट एट वडाला। अब मुझे जॉन से उम्मीद नहीं थी वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। अब गैंगस्टर मूवीज़ मेरी फेवरेट हैं, जॉनर मेरा फेवरेट है, क्राइम फिल्में हैं, अंडरवर्ल्ड की फिल्में, पीरियड फिल्में, तो ये सब था इसमें शूट आउट वडाला और संजय गुप्ता की ब्रिलियंट कमबैक फिल्म थी। और मान्या सुर्वे का रोल जो जॉन ने करा है, उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा करेंगे, जो उन्होंने गालियाँ दी हैं, जो उन्होंने गुस्सा दिखाया, जो एक्शन करें, एक एक चीज़ उनकी आंखों में आग दिख रही है, एक एक चीज़ उन्होंने, ही लिव द करेक्टर ऑफ मान्या सुर्वे और आई थिंक इट्स एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है और मुझे उनकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लगी कि उनका एफर्ट मतलब उम्मीदों मेरी पार कर गया जॉन इब्राहिम का। ये दोस्तों मेरी टॉप 25 मेल परफॉर्मेंसेस थी, आई होप आपको अच्छी लगे। मैं अपनी फीमेल और की परफॉर्मेंसेज और बेस्ट फिल्म का भी नया वीडियो जल्दी बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।